अगर आप हाउस की प्लानिंग कर रहे हो और आपका जो घर है वो कोस्टल एरिया के आसपास है ना, तो कुछ फैक्टर्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोस्टल एरिया के पास क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं, जिसमें कि जो हवाओं की जो स्पीड होती है ना वो काफी ज्यादा होती है, हवा में सॉल्ट यानी कि नमक होता है, फिर इसके अलावा काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और वहां पर फ्लडिंग जो है वो काफी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ मेनली चार फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो हाउस है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सो इस चैनल पर आर्किटेक्ट और इंटीरियर रिलेटेड इस तरह का कंटेंट रेगुलर आता रहता है, तो आपको अगर इस तरह का कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन में हम बात करते हैं कि जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं ना तो अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग लोड वहाँ पर जो है अप्लाई करते जाते हैं और उसके बाद उसमें किस तरीके से जो स्ट्रक्चर डिजाइन होगा उसकी कैलकुलेशन करी जाती है, तो उसमें जो विंड लोड है उसको एक एक्सट्रीम मान करके उसको डिजाइन करना चाहिए, जिससे कि अगर विंड बहुत ज्यादा तेज है तो आपका स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। फिर इसके अलावा ही जैसे मैंने बताया कि हवा में जो है वो सॉल्ट होता है, तो आपको जो है वो ऐसे मटेरियल्स यूज करने कि जो नमक जो हवा में है जब वो आए तो उससे जो मटेरियल आपके खराब ना हो और उस पर जंग जो है ना लगे। फिर इसके अलावा वहां पे हवा में जो ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, तो आपको जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो ऐसा आपको इंतजाम करके रखना पड़ता है, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो ज्यादा वहां पर ना बने। फिर इसमें पॉइंट नंबर टू के बारे में बात करते हैं, जिसमें बात करेंगे ऐसे एरियाज में ना कुछ कोड्स क्रिएट करे हुए होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्हीं कोड्स के हिसाब से ही आपको डिजाइन करना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि हार्श वेदर में भी आपका जो बिल्डिंग है वहां पर सरवाइव कर सके। और इसके लिए कुछ लोकल इकोसिस्टम जो वो क्रिएट करे हुए होते हैं और कितना बिल्डिंग का हाइट रखना है, क्या सेटबैक छोड़ना है और भी अदर जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्लान को इफेक्ट कर सकते हैं वो आपको कंसिडर करने चाहिए। फिर थर्ड जो फैक्टर रहता है वो रहता है वहां पर फ्लड का, तो फ्लड वहां पर आ सकता है, मतलब ऑब्वियसली बात है ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर आए, लेकिन अगर आ सकता है ऐसी संभावना है तो उस चीज को पहले ही समझते हुए आपको उसी तरीके से ही जो है कि पानी जो है वो प्रिवेंट करे, तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना चाहिए कि हाई टाइड्स के टाइम पे आपका जो है वो बिल्डिंग में डैमेज ना पहुंचा सके। फिर इसी में ही फाउंडेशन इस तरीके से बनाने कि इरोजन जो है वो सॉइल का ना हो, और अगर हो भी तो आपका बिल्डिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, और आप ब्रेकवे वॉल्स को भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि जो फ्लड की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सके और वो आपके फाउंडेशन को डैमेज ना करे, क्योंकि जब पानी का एक्सट्रीम प्रेशर आता है ना तो उससे आपका जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो सकता है। फिर इसी में आपको बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज का इंतजाम करके रखना है कि पानी जो वो ना रुके, और या फिर प्रॉपर स्लोप देकर रखना है कि पानी वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम ना कर सके, या फिर स्लोप हो तो वो स्लोप से निकल जाए और अगर ड्रेनेज है तो ड्रेनेज से निकल जाए। फिर फोर्थ नंबर बात करते हैं मटेरियल सिलेक्शन के बारे में, तो आपको ऐसे मटेरियल्स का सिलेक्शन करना है जिससे कि आपका जो जंग है वो ना लगे जिसपे, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, आपका गैल्वेनाइज स्टील हो गया, और अगर आप लकड़ी भी यूज कर रहे हैं तो स्पेशली ट्रीटेड वुड होनी चाहिए। फिर आपके जो मटेरियल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोस्टल वेदर में वो सर्वाइव कर सके, हाई विंड में सर्वाइव कर सके, हैवी रेन्स में सर्वाइव कर सके, और इंटेंस सन का जो एक्सपोजर मिले उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। फिर पॉइंट नंबर फाइव में बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में, तो देखिए अगर आपका समुद्र के आसपास का एरिया है तो डेफिनेटली वहां पे जो ठंडी हवा है ना वो आपको मिलेगी, तो आप प्लानिंग के थ्रू किस तरीके से उस ठंडी हवा का बेनिफिट अपने प्लानिंग में लेंगे और ओवरऑल द टाइम में आपका जो एसी का बिल उसको किस तरीके से बचा करके सेविंग करेंगे, तो ये भी एक स्मार्ट प्लानिंग का ही एक काम है। और फिर अगर आप प्रॉपर इंसुलेशन देते हैं तो इससे भी आपकी जो इंडोर की जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम होगा और आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ेगी। फिर सिक्स नंबर में बात करते हैं, थोड़ी सी आपको विचित्र बात लगेगी है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका कोस्टल एरिया में अगर ऐसा एरिया है जहां पे फ्लड आने के चांस है तो आप फ्लड इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। जी हाँ, फ्लड इंश्योरेंस लेंगे तो बहुत सही रहेगा अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो आने की संभावना थोड़ी सी है, तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि फ्लड इंश्योरेंस आपके घर को देती है। फिर इसके अलावा जो हरिकेन्स आते हैं, फिर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है इंश्योरेंस का कवर ले सकते हैं। फिर सेवन नंबर में बात करते हैं आपको यूज करने कोस्टल फ्रेंडली इंटीरियर्स, मतलब आपको इंटीरियर्स करवाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अभी कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप जो इंटीरियर की जो फिनिशेस यूज कर रहे हैं ना तो आपको ऐसे फिनिशेस यूज करने जो कि आपका मॉइस्चर रेजिस्टेंट हो और कोस्टल क्लाइमेट में जो है वो खड़ी रहे, कोई दिक्कत ना, जैसे कि आपकी फ्लोरिंग हो गई, स्टेनलेस स्टील फिक्स्चर हो गए, आपके मोल्ड रेजिस्टेंस पेंट हो गए और फिनिशेस हो गई, तो ये सारे फिनिशेस आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यूज करने हैं। और फिर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप डी ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं अपने एचवीएसी सिस्टम में। फिर एट नंबर बात करते हैं आपके जो घर है ना उसका जो एलिवेशन है वो एरोडायनेमिक डिजाइन का ध्यान में रखते हुए अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा कि जो विंड है उसका जो इफेक्ट है वो आपके एलिवेशन पे कम होगा और आपका जो स्ट्रक्चर है वो हाई विंड फ्लो में भी स्टेबल जो वो रहेगा और स्टेबिलिटी उसकी बढ़िया रहेगी। तो आशा करता हूँ कि सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और कौन सा टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।